हेलो फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे आज मेरे पास एक बाइक आई हुई है और आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये क्यों मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हम इस टॉपिक को आज सेलेक्ट किए हैं एक सब्सक्राइबर का कमेंट था और बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि अगर हमारी गाड़ी का बाय द वे वाल्व ख़राब हो जाते हैं या इंटेक साइड का या एग्जॉस्ट साइड का किसी भी दोनों में से एक वाल्व ख़राब हो जाए या दोनों वाल्व ख़राब हो जाए तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट होंगे कि हमारा वाल्व का प्रॉब्लम है या कोई अदर चीज़। तो इसमें जो हम 10-12 ऐसे टॉपिक्स पे जो हम बताएंगे कि उससे आपको कंफर्म हो जाना है कि हमारा वाल्व ख़राब है, सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक, कंप्रेसर, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाना, इन सब में से जो हमारा वाल्व का प्रॉब्लम कहाँ कैसे आता है, कहाँ से आता है। देखिए उसके लिए हमें जो है टाइमिंग का एक बोल्ट यहाँ पर खोल के रखा है ताकि हमें जो टॉप पता चल सके और दोनों इधर जो ये एग्जॉस्ट साइड का कवर और इनटेक साइड का कवर, इनलेट साइड का कवर, दोनों कवर खोल के रखे हैं और स्पार्क प्लग को ओपन करके रखे हैं। ये स्पार्क प्लग को ओपन करके रखे हैं और इसी दौरान आपको हम बता देंगे इतने ही में कि किस तरह से आपको फाइंड आउट हो जाना कि बहुत से भाई को कंफर्म नहीं हो पाता कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कहाँ से, और वो प्रॉब्लम रहता है हमारा वाल्व से। तो हेड का जो वाल्व होता है वो आपको कैसे मतलब बिना खोले पता कर लेना कि हमारा इंटेक का ख़राब है या एग्जॉस्ट का ख़राब है या फिर दोनों ख़राब हो गया है, कहाँ से वो मतलब कैसे पता कर लीजिएगा कि हमारा इसी से प्रॉब्लम है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत भाइयों को कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पाता है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ, वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप कमेंट में वहाँ से नंबर वगैरह ले सकते हैं। चलिए फट से इसका आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य कारण है जिसके प्रॉब्लम होने से आपको समझ लेना है कि हमारा वाल्व का ही प्रॉब्लम है, अदर दूसरी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। कैसे कन्फ्यूजन होता है वो आपको भी बता देंगे। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में लेना चाहिए कि हमारा वाल्व का प्रॉब्लम है। जैसे गाड़ी ब्लैक स्मोक कर रही तो वाल्व का प्रॉब्लम है, कंप्रेसर प्रॉब्लम वाल्व का प्रॉब्लम है, ब्लैक बाइक जो चलते चलते बंद हो जाती है तो वाल्व का प्रॉब्लम है, और ये जो हमारा माइलेज का प्रॉब्लम आता है बहुत समय ये वाल्व का प्रॉब्लम है, आइडलिंग का जो प्रॉब्लम होता है गाड़ी रुकती नहीं है आइडलिंग में वो भी वाल्व का प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो मॉर्निंग टाइम में होता है वो भी वाल्व का प्रॉब्लम है, ऑयल लेवल कम होना वो भी वाल्व का प्रॉब्लम है। अब कहाँ से कैसे होता है वो भी आपको हम कंफर्म करके बता देते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत से भाई का ऐसा होता है कि एक्सलेटर देने के बाद गाड़ी का होती है आइडलिंग पर तो सही रहती है, बट जैसे एक्सलेटर देंगे बहुत से भाई का होता है गाड़ी सेल होती है तो कैसे एक्सलेटर इस तरह से देने से क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकलता है। तो ब्लैक स्मोक निकलता है तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ दो चीज़ ट्राई करना है। ये देखिए ब्लैक स्मोक है तो सिर्फ दो चीज़ ट्राई करना। सबसे पहले आपका जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर स्क्रू है यहाँ पे, ये कंप्लीट हमने बता रहे कि अगर वाल्व खराब हो जाएगा जब ब्लैक स्मोक, सबसे पहले एक बार एयर और फ्यूल का मिक्सचर स्क्रू एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर हमारा ब्लैक स्मोक खत्म हो जाता है जब हमारा सही है, अगर नहीं ख़त्म हो तो हमारा इंटेक साइड का जो वाल्व होता है ये ख़राब हो जाता है, और उससे आपको समझ लेना है कि हमारा वाल्व ख़राब है। उसके बाद फिर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये पहला प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक कर रही है तो आपका हेड का वाल्व ख़राब हो गया, उस सिचुएशन में सिर्फ आप हेड का काम करवाएं ना कि ब्लॉक पिस्टन का, क्योंकि ब्लॉक पिस्टन ख़राब होगा उस सिचुएशन में हमारी गाड़ी क्या करेगी, वाइट स्मोक करेगी और इंजन लेवल बहुत जल्द कम हो जाएगा। तो ब्लैक स्मोक हमारा वाल्व का प्रॉब्लम होता है। और दूसरा बात आपको हम बता देते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो है हमारा कंप्रेसर प्रॉब्लम है, कैसे कंप्रेसर प्रॉब्लम चेक करना है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखे हैं, और अगर कंप्रेसर प्रॉब्लम आए तो गाड़ी कैसे प्रॉब्लम करती है वो भी आपको हम बता देते हैं। क्या होता है कि गाड़ी देखिए कुछ दूर चलती है, गाड़ी बंद पड़ जाती है, कस्टमर मेरे पास धक्के दे के लाते हैं, उस सिचुएशन में कैसे चेक करना है, ये देखिए किक जब यूज करेंगे ये नॉर्मल जाएगा, एक कंप्रेशन का गेज आता है जिसमें यहाँ पे लगाने के बाद वो कंप्रेशन बता देगा, बट हम आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों को बताते हैं कि क्योंकि उसके पास जो पार्ट्स जो सामान है चेक करने का वो अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम किक को यूज करके देखेंगे तो ये क्या होगा एकदम नॉर्मल जाएगा, एक जरा सा टाइट नहीं जाएगा। तो आपको समझ लेना कि हमारी गाड़ी का कंप्रेसर वीक हो गया, और वो जो कंप्रेसर वीक होता है वो सिर्फ वाल्व से होता है। और उस सिचुएशन में चेक कैसे करना, ये इस तरह से ये जो फिंगर है इसको यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल इधर डालेंगे, उसके बाद किक मारेंगे इस तरह से, अगर कंप्रेसर बन रहा हो तो आपको समझ लेना कि हमारा वाल्व सही है, और इस तरह से कंप्रेसर ना बने, देखिए किस तरह कंप्रेसर बना रही है गाड़ी, अगर इस तरह से कंप्रेसर ना बने तो आपको समझ लेना कि हमारा वाल्व कंप्लीट लीक हो चुके हैं या तो बेंड हो गए। बेंड होने के बाद क्या होता है ज़्यादातर सिचुएशन ये होता है कि हमारा किक जाम पड़ जाता है, बट अगर लीक होगा तो क्या होगा कंप्रेसर हमारा लीक हो जाएगा, एक जरा सा यहाँ पे कंप्रेसर बनाएगा नहीं, उस सिचुएशन में टेम्परेरी इलाज कैसे करना उसके बारे में वीडियो बना दिए। थोड़ा सा इंजन ऑयल जो होता है उसको स्पार्क प्लग में के हॉल में थोड़ा सा डालेंगे क्या होगा हमारा टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है ये एक सिचुएशन होने के बाद।
दो तो आपको समझ में आ गया, और तीसरा है कि हमारी गाड़ी बाइक जो है चलते चलते बंद क्यों होती है। वो ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी जब हम टेम्परेरी इसमें जब ऑयल डाल के गाड़ी कुछ किलोमीटर तक रन करते हैं, उसके बाद का होता है कि हमारे रोकर आर्म और टाइफिट जो होते हैं कंपनी अकॉर्डिंग जो 12 से 15 हज़ार किलोमीटर के अंदर इसको एडजस्ट करना रहता है, उसके बाद भी अगर कस्टमर नहीं करवाते हैं तो क्या होता है हमारी गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है और कंप्रेसर चला जाता है। तो वो क्या प्रॉब्लम होता है, हमारा वाल्व जो है हेड से चिपक जाते हैं, जो वाल्व के गाइड होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, जिससे हमारा गाड़ी चलते चलते बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा किक मारते हैं फिर भी स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि कंप्रेसर उसका चला गया होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, नई गाड़ी में वाल्व को रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम टाइफिट को एडजस्टमेंट करेंगे, इंटेक सेट और एग्जॉस्ट सेट दोनों से टाइफिट एडजस्टमेंट करेंगे, उस सिचुएशन में हमारी गाड़ी सही हो जाएगी। चलते चलते बंद होने का बहुत सारा रीज़न होता है, एक वाल्व के बारे में आपको हम बता दें, और अगर सारे रीज़नों को आपको डिटेल में पता करना है कि गाड़ी चलते चलते क्यों बंद होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो बना दिए, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये था तीसरा मुख्य कारण वाल्व का। तो दोस्तों एक और प्रॉब्लम जो वाल्व से आता है स्टार्टिंग प्रॉब्लम, वो भी सिर्फ मॉर्निंग टाइम में, बाकी जैसे ही हमारी गाड़ी रन होती है हमारा सारा चीज़ सही हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और इस टॉपिक के ऊपर बहुत से भाई का कमेंट था कि मॉर्निंग टाइम चाहे बाइक हो या स्कूटर हो वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ट्रेवल करती है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा वाल्व का प्रॉब्लम होता है। वो हमारा एग्जॉस्ट साइड का नहीं होता, वो सिर्फ इंटेक साइड का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो क्या होता है कंप्लीट घिस गया होता है, ख़राब हो गया होता है, जिससे क्या होता है मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा किक यूज करोगे उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी, वो भी मिसिंग लेते हुए स्टार्ट होगी। ये भी हमारा एक मुख्य कारण है। तो ये हो गया हमारा चार। और पांचवा जो हमारा माइलेज का जब इशू आ जाता है, माइलेज का इशू जब आता है तो क्या करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा इसको एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ईयर फिल्टर क्लीन करते हैं, स्पार्क प्लग नया डालते हैं, फिर भी माइलेज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं टेम्परेरी उपाय, इसको खोलते हैं कार्बोरेटर को और इसका स्लो जेट भी चेंज कर देते हैं, फिर भी क्या होता है हम लोग तो मैकेनिक भाई सोचते हैं कि चलिए माइलेज अब तो ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि आइडलिंग का स्क्रू सही कर दिए, ईयर फिल्टर नया डाल दिए, स्पार्क प्लग नया डाल दिए, कार्बोरेटर क्लीन कर दिए, लास्ट में इसका स्लो जेट जो माइलेज के लिए होता है उसको भी चेंज कर दिए, हम लोग तो सोचते हैं कि माइलेज सही हो गया, बट जब कस्टमर इरिटेटेड हो जाते हैं कि फिर भी माइलेज सही नहीं हुआ, उसके बाद जो हमें चेंज करना होता है वाल्व चेंज करना होता है। ये भी एक मुख्य कारण होता है वाल्व का, अगर माइलेज आपकी गाड़ी प्रॉपर नहीं दे रही है तो आपके वाल्व खराब हो जाएंगे। ये सिर्फ 4 स्ट्रोक के लिए, 2 स्ट्रोक में जब इस तरह से ऑप्शन आएगा तो उसके लिए उसमें वाल्व नहीं होता है, सिर्फ उसमें जो है रीड वाल्व का काम होता है माइलेज के लिए, सिर्फ ये 4 स्ट्रोक के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद का है कि आइडलिंग प्रॉब्लम, आइडलिंग प्रॉब्लम कैसे होती है, कहाँ से होती है उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले क्या हो रही है कि गाड़ी हमारे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है जैसे एक्सीलेटर हम डाउन करते हैं वैसे हमारी गाड़ी फट से बंद पड़ जाती है, चाहे वो डिवाइडर में हो या फिर स्लो में, जैसे गाड़ी चेक करना चाहें, किसी से बात करना चाहें, i3s वाली गाड़ी हो या ना हो गाड़ी हमारी बंद हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, गाड़ी जैसे एक्सीलेटर छोड़ेंगे गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, गाड़ी रुकनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रू लगा है इसको ओपन करके खोलेंगे, इधर से पेट्रोल निकाल देंगे क्योंकि इसके जो डस्ट पार्टिकल एरिया इधर है पूरा डस्ट भरा होता है, तो अगर निकल जाता है फिर हमारी गाड़ी आइडलिंग में रुकने लगेगी, स्मूथनेस हो जाएगी। बट फिर भी ना हो तो कहाँ यहाँ पे RPM स्क्रू, इससे आप कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर भी ना रुके तो आप कार्बोरेटर क्लीन कर सकते हैं, और ना रुके तो आप उसको समझ लेना है कि हमारी गाड़ी जैसे एक्सीलेटर कम करते हैं हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो हमारा वाल्व का प्रॉब्लम है। ये भी एक वाल्व का प्रॉब्लम होता है जब हमारी गाड़ी आइडलिंग में नहीं रुकती है। फिर एक और प्रॉब्लम होता है ऑयल लेवल का कम होना, और वो क्यों होता है वो आपको बता देते हैं। क्या होता है कि हमारा इंजन ऑयल, जैसे यहाँ लिमिट है 1000 ml, यानी कंप्लीट 1 लीटर का है, ये थोड़ा सा जूम करके देखिए 1000 ml है यानी 1 लीटर का है, तो इसमें अगर हम 0.5 लीटर इंजन ऑयल डालते हैं या फिर वाइट स्मोक के कारण कंप्लीट हमारा इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है और आधा बचता है, उस सिचुएशन में क्या होता है हमारा हेड में ऊपर जो है ऑयल नहीं पहुंच पाता है। अभी आपको दिखा देते हैं, इधर देखिए हेड में हमारा ऑयल पहुँच रहा है क्योंकि हमारा प्रॉपर इंजन ऑयल 1 लीटर कम्प्लीट है, इसलिए पहुंच रहा है। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम होते जाएगा तो क्या होगा हमारा ऊपर हेड में ऑयल नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण से हमारा ऑयल सील ख़राब हो जाता है, इंजन का जो होता है हेड का ये वाल्व का ऑयल सील ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से भी गाड़ी का इंजन ऑयल कम होता जाता है। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, ऑयल सील सिर्फ चेंज करना है वाल्व के। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जो हमारे भाई कमेंट कर रहे थे कि वाल्व का क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इन सबको कैसे बचा जा सकता है। आप इसके बाद बहुत से भाई कमेंट कर देंगे कि वाल्व के तो ये प्रॉब्लम हो गए बट प्रॉब्लम होने से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बेटर पेट्रोल, बढ़िया पेट्रोल इसमें यूज करना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट पेट्रोल यूज नहीं करना पड़ेगा, और इंजन के ऑयल जो होता है उसको बेटर क्वालिटी का डालिए, और सुबह कोशिश कीजिए कि आप
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किक का यूज करें ताकि आपका बेटर परफॉर्मेंस गाड़ी के बने रहे और वाल्व में प्रॉब्लम ना आए। और एक से दो बार किक मारने के बाद अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा किक या सेल्फ यूज ना करें ताकि आपका वाल्व के ऊपर ज़्यादा टॉर्चर पड़ता है और उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा वाल्व बेंड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब तक इस तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। उसके बाद से क्या होगा, हमारा सिर्फ BS6 का वीडियो आएगा जो सिर्फ FI और थ्रोटल बॉडी और कंप्लीट स्कैनर के ऊपर वीडियो। तो जो भाई मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उसको पता ही होगा किस तरह से वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएं आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।